दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु जी की नई वीडियो में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जो स्कॉलरशिप का नया अपडेट आया है उसके बारे में। नया अपडेट क्या है दोस्तों? नया अपडेट में जो आपने स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर रहे थे उसमें अब नया कॉलम जोड़ के आ रहा है कि आपकी कितनी स्कॉलरशिप आ गई है और कितनी आने वाली है। यह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आपको कैसे देखना है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको इस वेबसाइट को फॉलो करते रहना है। गवर्नमेंट जॉब्स की यदि आप तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी का कोई भी फॉर्म आता है इस वेबसाइट पे सबसे पहले उपलब्ध हो जाता है, और कहीं नहीं मिलेगा यहाँ जरूर मिल जाएगा। इसको आप जो है सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम जो है इस वेबसाइट का नाम है, गूगल में लिखिए सरकारी जॉब फाइंड और यहाँ पे पहुंच जाइए। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप का जो आप स्टेटस चेक कर रहे थे तो उसमें पहले क्या था कि स्टेटस चेक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, मैंने स्टेटस यहाँ पे एक चेक किया था तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे पहले में रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, दूसरे में फाइनल सबमिशन, तीसरे में स्टेटस है इंस्टीट्यूट लेवल, चौथे में अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस, पांचवे में स्क्रूटनी रिजल्ट, छठे में ये। तो देखिए यहाँ पे डेट वाइज यहाँ पे सब कुछ है और यहाँ पे लिखा रहा है करंट स्टेटस वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, मतलब कि आपका जो है रिकमेंड हो गया है स्कॉलरशिप आने को। अब नया स्टेप क्या है, जो अब जो आप स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे एक नया यहाँ भी जुड़ जाएगा, जो आपका पैसा आया होगा वो भी यहाँ दिखाने लगेगा। खासकर ये एससी वालों को दिखा रहा है, ओबीसी वालों का मैंने अभी आज ही चेक किया तो उनका अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो एससी वालों का लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है जितना पैसा आ गया है या जितना भी आने वाला है। और किसी किसी में दिखा रहा है कि अभी प्रोसेसिंग में है, जैसा कि कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास है तो वहां पे आपको जैसे कि किसी किसी स्टेटस में प्रोसेसिंग लिख के आ रहा है और किसी किसी स्टेटस में मतलब दिखा रहा है, किसी किसी स्टेटस में यह भी दिखा रहा है कि अब जो है आपका प्रोसेसिंग है और जो है फंड जैसे ही आएगा आपका आ जाएगा, खासकर एससी वालों का जो स्कॉलरशिप नहीं आई है उनका। तो आपको कैसे देखना है, कैसे चेक करना है आप, मैं बताता हूँ। तो आप जो है नियमित स्टेटस आप चेक करिए, और जिन भी स्टूडेंट्स की नहीं आई है वो आप जरूर चेक कर लीजिए अपना स्टेटस। तो कैसे चेक करना है, इस वेबसाइट पे आपको आना है सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम पे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको स्टेटस आपको कैसे देखना है, यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2018-19 यहाँ पे दिख रहा है, मैंने कई बार बताया लेकिन फिर बता देता हूँ। तो इस यहाँ पे आपको खोल लेना है इसको। तो यहाँ पे मैं इसकी डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा है नोट स्टूडेंट सत्र 2018-19 का स्टेटस देखने के लिए नीचे दी गई लिंक्स पर क्लिक करें, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ तथा अपना पासवर्ड वेरिफिकेशन कोड भरकर लॉगिन करें। लॉगिन के ऊपर दाहिने तरफ दी गई आवेदन की स्थिति जानने के लिए लिंक पर क्लिक करके आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो भी आपका हो जिस भी आपका स्टेटस चेक करना है उसके सामने जो क्लिक हियर की लिंक है वहां पे क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए आप पोस्ट मैट्रिक के अदर देन इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आप जो है यहाँ उसके सामने जो है क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे फ्रेश स्टूडेंट के सामने जो क्लिक हियर है वहां पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, जन्मतिथि भरनी होगी, अपना पासवर्ड डालना होगा और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना होगा ये वाला। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दाहिने साइड एक कोने पे आएगा कि अपना स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे चेक करें, तो वहां पे आपको क्लिक कर देना है तो कुछ इस तरह का आपको स्टेटस दिखने लगेगा। जैसे कि मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है तो स्टेटस दिखने लगेगा इसमें आपका। यदि एससी के स्टूडेंट है तो उनको जो है जितनी भी स्कॉलरशिप आई है उनको यहाँ पे ऐड करके दिखा रहा है यहाँ पे कि आपकी जो है मान लीजिए 10,000 आई है, 15,000 आई है, जो भी आई है यहाँ पे ऐड करके दिखाया जा रहा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे जोड़ दिया गया है कितनी स्कॉलरशिप आई है। और जो नहीं आई है जिनकी उनको में भी दिखा रहा है कि क्यों नहीं आई है, और वहां पे लिख रहा है किसी किसी में कि फंड की कमी के कारण नहीं आई है, किसी किसी में लिख रहा है प्रोसेसिंग चल रही है, फंड का इंतजार है, जैसे ही फंड आएगा तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो अलग अलग चीजें अलग अलग में दिखा रहा है। यहाँ मैं ओबीसी का स्टेटस चेक किया हूँ तो अभी इनकी तरफ से जो पुराना है वही दिखा रहा है, अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया है। तो जैसे अपडेट हो जाता है मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा, तो आप एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए जिन भी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप नहीं आई है, क्योंकि बहुत ही जरूरी है कि किस वजह से नहीं आई है, और वहां पे सब कुछ दिखाने लग रहा है कि आपको कितना पैसा जो है भेजा गया है, कितना आपके खाते में गया है और क्यों नहीं आई है, क्या आने के चांस है या नहीं। तो मैं बता दूं कि अभी भी स्कॉलरशिप आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि
क्योंकि वहां पर प्रोसेसिंग दिखा रहा है स्टेटस में, और एससी वालों को भी दिखा रहा है, और जनरल की भी दिखा रहा है, माइनॉरिटी की भी दिखा रहा है, और एसटी वालों को भी दिखा रहा है, और खासकर ओबीसी वालों को भी दिखा रहा है कि प्रोसेसिंग चल रही है, जैसे ही बजट आता है आपका आ जाएगा। तो ये चीजें चल रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने बता दिया यहाँ पे आके इस तरह आपको स्टेटस देखना है, जिस भी आप हो, जैसे कि प्री मैट्रिक में अगर 9-10 वाले हो तो उसके सामने प्री मैट्रिक वाले पे क्लिक करना, और रेनुअल हो मतलब 10 के हो तो उसके सामने क्लिक करना, जो भी आपका हो तो आप उसके सामने क्लिक करके अपना जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो इस तरह अपना स्टेटस चेक करिए, और बहुत ही यहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे बताया गया है, और सब कुछ वहाँ पे मेंशन है कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आई है और कितनी आने वाली है, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, और अभी स्कॉलरशिप आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके sarkarijobfind.com पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, देखिएगा जरूर एक बार, क्योंकि इसमें सब कुछ अपडेट हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।